अपनी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की राजनीति को एक नया मोड़ देने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। आपको बताएं तो इस पूरे मामले का विवाद साउथ इंडियन फिल्म KGF 2 के एक गाने से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पर KGF 2 का गाना अपने वीडियो में गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि वो कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इन तीनों ट्वीट्स को हटा दे जिसमें KGF 2 का गाना इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को भी कोर्ट की अगली सुनवाई तक ब्लॉक करने को कहा गया है। आपको बताएं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से जनता के साथ राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर की जा रही हैं जिसमें फिल्मी गानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें वो एक वृद्ध महिला के साथ गले लग रहे हैं। भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस वीडियो में KGF 2 के गाने का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट का मानना है कि इस वीडियो में KGF 2 के गाने का इस्तेमाल गैरकानूनी तरीके से किया गया है। इसी ट्विटर हैंडल से एक और वीडियो शेयर किया गया है जिसमें राहुल गांधी बच्चों के साथ मिल रहे हैं और बच्चे उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये कार्रवाई MRT म्यूजिक कंपनी की तरफ से दर्ज करवाए गए एक केस के बाद की गई है। KGF 2 के गाने का इस्तेमाल करने के मामले में MRT म्यूजिक कंपनी के मैनेजर S. नवीन कुमार ने बेंगलुरु के यशवंतपुर थाने में कुछ दिन पहले केस दर्ज करवाया था। आपको ये भी बता दें कि KGF 2 के गानों का कॉपीराइट MRT म्यूजिक कंपनी के पास ही है। MRT म्यूजिक कंपनी की तरफ से ये मामला नवीन कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ दर्ज करवाया था जिसमें कॉपीराइट एक्ट और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का इस मामले में कहना है कि वो कानूनी उपाय तलाश रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बारे में पार्टी को ना ही कोई जानकारी दी गई थी और ना ही वो अदालती कार्रवाई में मौजूद थी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि उन्हें अभी तक ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं मिली है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।